माई डियर प्रॉफिटियर्स, इन्वेस्टर्स एंड ऑल ऑफ यू हु हैव बीन सपोर्टिंग आर चैनल, वेलकम टू अनदर शॉर्ट क्विक एनालिसिस ऑन परसिस्टेंट सिस्टम्स। एज यू कैन रीड द सब्जेक्ट लाइन, आई थिंक दिस टॉक हैज़ रिवॉर्डेड इन्वेस्टर्स हु हैव बीन परसिस्टेंट एंड इन्वेस्टेड इन इट। जो हर एक हाई परफॉर्मिंग स्टॉक का एक पहचान होता ही है कि इफ़ यू आर परसिस्टेंट, इफ़ यू आर विलिंग, सो द स्टॉक विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू इफ़ यू आर विलिंग टू स्टे इन्वेस्टेड। वेरी क्विकली, दिस इज़ एन IT कंपनी। IT का जो पूरा सेक्टर है, मिड कैप स्पेस में ये कंपनी है। एज यू कैन सी 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो वेरी सून आई थिंक ये लार्ज कैप टेरिटरी में आने वाली है। एज मैनी पीपल कीप टॉकिंग अबाउट कि मार्केट्स में जो मैजिक है, मैजिक वो मिड कैप्स में है। वॉट डज दिस कंपनी डू? इट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रैटेजी सर्विसेज टू हेल्प कंपनीज इम्प्लीमेंट एंड मॉडर्नाइज देयर बिजनेसेस। बेसिक IT सॉफ्टवेयर, कुछ नीश सॉफ्टवेयर आई एम श्योर इस कंपनी के पास होगा, बिकॉज लुक एट द पार्टनरशिप्स दैट इट हैज़। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड वेन आई सॉ इन देयर रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स कि सेल्स फोर्स एंड AWS, विच इज़ अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ अगर इनका पार्टनरशिप है, तो गाइज आप एक बात तो मान के चलो, इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी हाई स्केल पे चल रहा है। द स्केलेबिलिटी फॉर फ्यूचर कैश फ्लोज एंड ऑल्सो द करंट स्केल ऑफ द बिजनेस लुक्स प्रिटी हाई, वेरी हाई इन फैक्ट। इट हैज़ इट्स ओन सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क एंड प्री बिल्ट इंटीग्रेशन एंड एक्सेलरेशन। सो बेसिक अगर मैं देखूँ इसके, इसका आप 1 ईयर का ग्राफ देखिए। अगेन दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ परफेक्ट ग्राफ, यू नो। फॉर चलो लास्ट ईयर तो पैंडमिक लो से ये ऊपर आया है, बट इस तरह का ग्राफ अगर मुझे 6 मंथ में मिल जाए, सी ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर। 3 मंथ में भी ऑलमोस्ट सिमिलर। एक माइनर डिप मुझे यहाँ दिख रहा है 22 अप्रैल, दैट वॉज बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव का जो थोड़ा अनसर्टेंटी ग्रिप हुआ था। दैट वॉज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड 1 मंथ भी देखूँ तो देखिए, हर एक पैटर्न में मुझे सेम कंसिस्टेंट ग्रोथ, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर्स में थोड़ा यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया है। सो 3 ईयर्स में इट हैज़ बीन अ लिटिल स्टैगनेंट फ्रॉम जुलाई 2018 से लेके। पूरा स्मॉल एंड मिड कैप जो स्पेस था आपने देखा ना, उसने 3 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं दिया। और लास्ट ईयर पैंडमिक के बाद देखिए इस स्टॉक ने क्या आउट परफॉर्मेंस किया है। अगेन नो हार्म इन सेइंग दैट वी माइट हैव मिस्ड आउट। जैसे हमने अल्काइल अमिन्स मिस किया होगा, ये भी एक मिस आउट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लुक एट द 5 ईयर ग्राफ। इसमें मैं आपको बताऊँ, इफ़ यू हैव एंटर्ड दिस स्टॉक लेट्स से हियर 10 जून 2016, 710 रुपीज़ का है। अभी आप करंट प्राइस 2400, 2500 के बीच में देख रहे हो, राइट? 2400 के आसपास चल रहा है। सो टेक्निकली इट माइट हैव यू नो ट्रिपल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। आपको लगेगा कि हाँ 3.5 टाइम्स रिटर्न दिया है, लेकिन आप 3.5 टाइम रिटर्न अभी देख रहे हो ना। ये 10 जून 2016 से जिसने होल्ड करके रखा कि स्टॉक में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इट फेल डाउन। लुक एट दिस, इट फेल डाउन ऑन 24 अप्रैल बिकॉज ऑफ द पैंडमिक टू 468। मतलब कहाँ 710 और कहाँ 468। जिसने एवरेज किया या कंटिन्यूस SIP किया, या जैसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक SIP का पोर्टफोलियो बनाया, उसको अभी वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिला। एंड टुडे दैट टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर और दैट गाय मस्ट बी द मोस्ट सक्सेसफुल गाय। व्हाई? बिकॉज ही होल्ड ऑन, ही हेल्ड ऑन टू हिज स्टॉक, ही हैड द गट्स टू होल्ड ऑन। तो अगेन एक बात ऐसे स्टॉक्स में प्रूव होती है कि एक ब्रेकआउट मोमेंट आता है और आपको सिर्फ उस ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। इफ़ यू होल्ड इट टिल दैट टाइम, इफ़ यू कीप एडिंग इट, जैसे अवंती फीड्स और बाकी स्टॉक्स में हमने बताया था पहले, ये मौके होते हैं जब प्राइस गिरता है तो आप ऐड कीजिए और वेट होल्ड कीजिए। नाउ देर आर नो कॉन्स फॉर दिस कंपनी एंड देर आर ओनली प्रोज। ऑलमोस्ट डेट फ्री कैटेगरी, विच आई पर्सनली ओनली लुक एट डेट फ्री कंपनीज़। तो मेरा क्राइटेरिया बहुत सिंपल होता है। डिविडेंड पे आउट अच्छा है, 30% तक का ऑलमोस्ट डिविडेंड आउट कर रही है कंपनी। मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 17.45 लास्ट 10 ईयर्स। अपने सेक्टर में मार्केट लीडर नहीं है तो वो क्राइटेरिया में ये फुलफिल नहीं होती। बट अगर आप पूरा IT सॉफ्टवेयर सेक्टर देखेंगे, देखिए TCS वगैरह, दैट्स अ सेपरेट IT पैक। ये सॉफ्टवेयर सेक्टर में एम्फोसिस इज़ अ गुड वन। ओरेकल फिनसर्व पे एक अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे।
L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो आप नंबर 3 देख रहे हैं वो तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, डेफिनेटली. सेम फॉर कोफोर्ज. तो और टाटा एलेक्सी का आपने मेरा लास्ट का वीडियो देखा होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट. सो गाइज, इतने सारे चॉइसेस हैं, इतना ओवर यू नो लोडेड सेक्टर है. हैप्पीएस्ट माइंड्स भी अभी आगे बढ़ रहा है. व्हाट डू यू पिक एंड हाउ डू यू पिक, राइट? तो इसीलिए एक पोर्टफोलियो बनता है, वेयर इमेजिन इफ यू पिक वन वन शेयर ऑफ द टॉप 3 कंपनीज ऑफ दिस सेक्टर एवरी मंथ, तो आपका एक डिसेंट पोर्टफोलियो बन सकता है. बट प्लीज़ रिमेंबर, व्हेन ऑल दीज 7 कंपनीज टू यू आर लुकिंग ग्रेट फ्रेंचाइजेस, ग्रेट कंपनीज, यू हैव टू पिक द बेस्ट अमंग्स द बेस्ट. अगर इसमें से एक लेना होगा तो इन सातों की एनालिसिस जो क्राइटेरिया हम सिखाते हैं, 36 क्राइटेरिया, इफ़ यू डू इट एज पर दैट, देन यू विल अंडरस्टैंड विच इज़ द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट. आई वॉन्ट दैट. द ग्रीड ऑफ द इन्वेस्टर शुड बी कि मुझे सेटल नहीं करना है, आई डोंट वॉन्ट टू सेटल फॉर समथिंग विच इज़ सब पार या एवरेज या ऐसा नहीं. मुझे बेस्ट में से बेस्ट आप ढूंढ के दीजिए, वही मैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए कर रहा हूँ. आई एम गिविंग देम कस्टमाइज स्टॉक्स एज रिकमेंडेशंस विद अ डिस्क्लेमर दैट प्लीज़ हमारा डिस्क्लेमर पढ़िए. अगर आपको कोई भी चीज़ में क्वेरी है, प्लीज़ कंसल्ट योर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, या अगर हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, यू कैन ऑलवेज़ कंसल्ट. लेकिन प्लीज़ डिसीजन लेने के पहले टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर विद परसिस्टेंट. नेट प्रॉफिट देखिए, अगेन सेम एज़ पर द पैटर्न जो मुझे पसंद है. काफ़ी हद तक इसका कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट है, लास्ट 11 साल का अगर मैं हिस्ट्री देखूं, और एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट नंबर्स, ब्रिलियंट, रियली ब्रिलियंट. दिस इज़ वेरी रेयर. एक साल में भी डिप यहाँ हुआ है थोड़ा, एक 2016 में डिप हुआ है, बट ओवरऑल द नेट प्रॉफिट एंड द ईपीएस, इफ़ यू लुक एट द ईपीएस ऑल्सो, आई कैन सी सम सिमिलर कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द ईपीएस. तो ये दोनों मुझे कोइन, मतलब दीज काइंड ऑफ कंजंक्शंस आई लुक फॉर. नेट प्रॉफिट और ईपीएस साथ में ग्रो हो रहा है. देन स्टॉक प्राइस कैगर इज 29% फॉर 10 ईयर्स, विच इज़ प्रिटी गुड. आई मीन प्रिटी गुड, वेरी गुड कंसिस्टेंसी. ऐसा कंसिस्टेंसी अगर मिल जाए किसी भी स्टॉक ने, अगर 10 साल में 29% पर ईयर कंपाउंडेड ग्रोथ दिया है, मतलब हमारे हिसाब से वो एवरी हर सवा दो साल में वो स्टॉक डबल हुआ है. हर सवा दो साल में उसका स्टॉक प्राइस डबल हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आपने देखा कि 2016 टू 2020 4 साल तक उसने कुछ नहीं किया. बट जब आपको रिटर्न दिया है तो एकदम सारे रिकॉर्ड तोड़ के, छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है. प्रॉफिट ग्रोथ इज़ जस्ट अबाउट ओके एट 12%. आरओई इज़ गुड. लेट मी सी इफ द आरओसीई इज़ कंसिस्टेंट. येस, इट इज़ ड्रैगिंग अ बिट, थोड़ा लो हुआ है, कंसिस्टेंट नहीं है. आरओसीई थोड़ा डाइसी है गाइस. अगर आप देखते हो ये आरओसीई नंबर्स एकदम ही कंसिस्टेंट तो नहीं है, इट्स ऑन एंड ऑफ, डाइसी, अ लिटिल डाइसी. एंड वन मोर थिंग विच आई कुडेंट फैदम इन द लास्ट 3 ईयर्स, ये देखिए कंसिस्टेंटली एफआईआईज का जो इंटरेस्ट है ये स्टॉक में गिरा है, गिरता गया है. एंड अगर मैं लास्ट 3 क्वार्टर्स देखूँ, 4 क्वार्टर्स देखूँ, तो थोड़ा बहुत दे आर कमिंग बैक. आई थिंक नाउ मे बी इन द लास्ट क्वार्टर, बिकॉज ऑफ द राइज इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप. इंडिया में बेसिकली अभी स्मॉल एंड मिड कैप में जो राइज दिख रहा है उसमें एफआईआई शायद वापस आ रहे हैं इस स्टॉक में. तो ये हो गई इसकी ओवरऑल सम पैरामीटर्स पे बातें. नाउ लेट्स लुक एट सम टेक्निकल पैरामीटर्स. कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग है, कोई डाउट नहीं है उसमें कि एक भी, देर इज़ नॉट इवन अ ईयर जहाँ उसने प्रॉफिट नहीं बनाया. अब इसके अच्छे पॉइंट्स देख लिए, अभी थोड़े चैलेंजिंग पॉइंट्स देख लेते हैं. 2462 दिस इज़ द करंट प्राइस. या बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे आके ये रुका है. अगर मैं इसका वीकली टेक्निकल इंडिकेटर देखूं पहले, वीकली, सो आई कैन सी दैट इट्स वेरी क्लोज टू इट्स पिवट पॉइंट. 2462 का प्राइस है, 2468 का पिवट है. मतलब यहाँ से क्लोजली अगर आप वॉच करेंगे, थोड़ा ओवरबॉट लगता है, बट यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो 2549 शुड बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड 2600. मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ से इसको ट्रैक करें, इफ़ इट ब्रेक्स दिस पिवट पॉइंट, अगर ये 2480 या 2481 के ऊपर 3 दिन कंटिन्यूस क्लोजिंग देता है, दैट मीन्स इट्स ब्रेकिंग दिस चैनल एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दिस रेजिस्टेंस. तो वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन होगा.
लुक्स लाइक देखिए डाउनसाइड कम है, डाउनसाइड में 2386 का एक सपोर्ट है एंड 2336 का भी एक सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक गिरा भी, अगर आप अक्यूमुलेट भी करेंगे तो 2336 लुक्स लाइक अ वेरी गुड सपोर्ट जहाँ से अक्यूमुलेशन हो सकता है इफ़ इट फॉल्स ऑन द डाउन साइड। वीकली में ओवरबॉट क्लियर कट RSI 76 होते हुए भी ओवरबॉट दिखा रहा है एंड मोस्टली वी आर गेटिंग दी ओवरबॉट सिग्नल्स। नाउ लेट्स लुक एट मंथली। इफ़ आई लुक एट मंथली टेक्निकल एनालिसिस देन सेम थिंग राइट, रेजिस्टेंस इसका 2587 है, तो आई थिंक आई विल, इफ़ आई एम अ ट्रेडर आई विल वेट टिल इट क्रॉसेज माई पिवट पॉइंट ऑफ वीकली चार्ट्स एंड वहाँ से अगर क्रॉसिंग मिलती है 2500 के आसपास इसको पिक करना चाहिए। 2587 शुड बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस और अगर ये क्रॉस करता है देन 2725 शुड बी द सेकेंड मेन टारगेट, 2725 हो सकता है। दिस माइनर रेजिस्टेंस अगर मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया तो ये टारगेट हम लोग पकड़ सकते हैं। बट आप मंथली में भी एक पॉइंट देखिए, सारे कैटेगरी में आपको दिख रहा है ना इट इज़ ओवरबॉट। इनफैक्ट मंथली जिसको हम लोग ग्रैंडफादर चार्ट भी कहा जाता है उसमें तो 82 का RSI है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी आगे निकल गया है, इट्स पास्ट इट्स प्राइम। एक माइनर करेक्शन ड्यू है, थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस शायद इसमें आता हुआ दिखेगा आपको RSI लेवल्स में। इट्स शोइंग हाईली ओवरबॉट लेवल्स गाइस, नॉट रिकमेंडेड पोजिशनली एट ऑल, बट इफ़ यू हैव स्पेस इन योर पोर्टफोलियो, इफ़ यू थिंक देर इज़ एन IT स्टॉक यू वॉन्ट टू ऐड, अगर आपके पास TCS नहीं है, HCL टेक नहीं है और अगर आप बाकी IT स्पेस में से देखना चाहते हो, सो दिस पर्टिकुलर कंपनी लुक्स लाइक अ गुड बैट, इट्स इट लुक्स लाइक अ डिसेंट बैट, बट एज आई सेड एज द नेम सजेस्ट ऑन अ लाइटर नोट यू विल हैव टू बी परसिस्टेंट विद दिस स्टॉक। नो डाउट कमा के देगा आपको, बट बीच बीच में हो सकता है साइकिल्स ऐसी हो दैट स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है, नॉट डूइंग एनीथिंग, बट जब देगा तो फिर एकदम फास्ट भागेगा, क्योंकि जिस बिजनेस में ये लोग हैं ये थोड़ा मुझे सिक्लिकल पैटर्न वाला बिजनेस लगता है, लुक्स लाइक दे आर मोर इन टू अ सिक्लिकल बिजनेस। एनी वे डियर प्रॉफिटियर्स, इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज या इफ़ यू हैव एनी सच स्टॉक्स वेर यू हैव क्वेरीज, प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कॉमेंट्स, एज ऑलवेज वी विल ट्राई टू रीच आउट टू मोस्ट ऑफ योर कॉमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, कीप प्रॉफिटिंग, बी परसिस्टेंट विथ योर पोर्टफोलियो एंड डोंट सेल इट फॉर चीप गेन्स, होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म, टेक केयर एंड कीप प्रॉफिटिंग।